Friends, in this chapter, age of industrialization, you have to prepare first of all proto-industrialization. Topic of proto-industrialization, again I am repeating, time period before 19th century, that is prior to industrialization, was proto-industrialization. And one feature of 200 year proto-industrialization was that at that time many merchants, they couldn't find place in the cities, and that's why they turned to the village areas to carry their production process. And what was the main, you can say, item at that time was produced and prepared? That was cotton textile. The demand of cotton textile increased all over the world. So many new merchants, they wanted to earn profit. But in the cities, they faced many problems. First problem, like guild system was there. What was this guild system? It was association of traders. Guild system ka matlab hai kuch aise traders the jo naye merchants ko apne business mein entry nahi dena chahte the because they were scared ki unka jo profit hai wo kya ho jayega, divide ho jayega. Aur isliye bahut se merchants village areas mein gaye. Wahan par production ke jo cotton ke four steps, stapler, uske baad fuller, theek hai, uske baad स्पिनिंग, ठीक है, उसके बाद डाइंग, ये जो जितने भी स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया. विलेज एरियाज में जाकर हर क्लोथ मर्चेंट के पास एटलीस्ट 80 to 100 उनके वर्कर्स काम करते थे उनके अंडर, लेकिन वो किसी एक रूम में या एक फैक्ट्री में नहीं थे, अलग अलग यूनिट्स में थे, जिनको डोमेस्टिक यूनिट्स कहा जाता था. इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इससे पहले 200 ईयर्स तक बिजनेस होता था, लेकिन वो बिजनेस ऑपरेट कहाँ से होता था, विलेज एरिया से. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फैमिलीज दे प्रिपेयर्ड कॉटन टेक्सटाइल इन देयर होम्स विद देयर मेंबर्स, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट इकोनॉमिक एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कॉटन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दैट वॉज रिप्लेस्ड. क्लियर? फिर इसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कॉटन मिल का कंसेप्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ, रिचर्ड ऑकराइट का नेम सबसे ज्यादा जो है वो लिया जाता है क्योंकि उसने कॉटन मिल का कंसेप्ट लेकर आया. एंड इसके बाद धीरे धीरे यूरोप में या ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज जो हैं, कॉटन मिल्स जो हैं, वो सेटअप होना शुरू हो गए. लेकिन अब बहुत से विलेजर्स ऐसे थे जो विलेजर्स विलेज में रहते थे, अब उनको काम मिलना बंद हो गया, दैट्स वाई दे टर्न टू सिटीज, क्योंकि अब मिल्स बनने से, इंडस्ट्रीज बनने से 19 सेंचुरी में जो है वो काफी हद तक सिनेरियो चेंज हो गए. फिर हमने बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्टिंग में बहुत स्लो था. इसका रीजन क्या था? स्लो टू बी एक्सेप्टेड इन द स्टार्टिंग बिकॉज एट दैट टाइम मशीन्स वर वेरी कॉस्टली, रिपेयर बहुत हाई होती थी, इंजीनियर्स को बुलाना, मशीन चलते थे बंद हो जाती थी. और इसीलिए बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिनके लिए नई टेक्नोलॉजी को खरीदना और उसको उसके अंडर लोगों को ट्रेन करना, दैट वाज नॉट पॉसिबल. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग इयर्स में काफी हद तक अभी भी प्रोडक्शन जो थी वो डोमेस्टिक यूनिट्स में ही हो रही थी, ना कि इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में जाकर फिर हम ये कह सकते हैं कि विलेज एरिया से लोग धीरे धीरे सिटीज में आना शुरू हुए और फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया. पहले हमने 200 ईयर्स पढ़े, फिर हमने 100 ईयर्स यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे का टाइम पीरियड. क्लियर? अब फिर इसके बाद कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो स्टार्टिंग में क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. एक मैंने आपको जस्ट एक रीजन बताया था, बिकॉज मशीन मेड गुड्स जो होती हैं वो सारे यूनिट्स एक जैसे ही होते हैं, सेम साइज, सेम काइंड ऑफ डिजाइन. या अगर क्लोथ की बात की जाए तो मशीन मेड जो क्लोथ, टी शर्ट्स की बात करें, है ना, सपोज शर्ट्स की बात करें, तो मशीन जो है वो एक ही तरह के यूनिट्स बनाती हैं. लेकिन उस टाइम पीरियड में जो एरिस्टोक्रेटिक रॉयल्टी, किंग, क्वीन, नॉबल्स जो थे, वो हैंडमेड गुड या हैंडमेड क्लोथ को प्रेफर करते थे. उनका ये मानना था कि उनके डिजाइन जो हैं वो यूनिक होने चाहिए, और इसीलिए जो मशीन से बनी हुई चीजें थी ना, ये स्पेशली कॉलोनीज में प्रोड्यूस कर दी जाती, वहां पे एक्सपोर्ट कर दी जाती. यानी कि ये लोग ये मानते थे कि जो कॉलोनीज के जो लोग हैं ना, जैसे इंडिया है, ये लोग पुअर हैं, ये मशीन मेड गुड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी या एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे वो यूनिक हैंडमेड गुड्स ही प्रेफर करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जैसी, या टेक्सटाइल की बात करें या किसी भी गुड की बात करें, उनके जैसी जो है डिजाइन किसी और के पास.
तो ये भी एक रीजन था कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन्स को उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन या इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये भी आपने 1 मार्क के एमसीक्यू फॉर्म में करना है। इसमें आप लिखो एग्जाम्पल ऑफ स्टीम इंजन, एग्जाम्पल ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का एग्जाम्पल। स्टीम इंजन के आने से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या कॉटन इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आए लेटर ऑन, लेकिन स्टार्टिंग में स्टीम इंजन को खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टीम इंजन जो है वो बनाया किसने, न्यू कॉमन। ये 3-4 नाम याद रखो। अब सबसे पहले स्टीम इंजन जो था वो न्यू कॉमन ने इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस का मतलब बनाया। ही प्रोड्यूस्ड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जो है इसको बनाया किसने, पर्सन का नेम क्या था, न्यू कॉमन। ठीक है, इसके बाद इसको आगे यानी कि स्टीम इंजन तो बन गया लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए इसको जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया। तो आप जब भी आप स्टीम इंजन के बारे में पढ़ते ना आपको लगता है कि जेम्स वॉट ने बनाया, उसने बनाया नहीं था, उसने इसको क्या किया, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड बाय जेम्स वॉट, उसने इसको इम्प्रूव किया ताकि इसको इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी भी तरह से मिल्स में। अब आप कहोगे कि मैम मिल में स्टीम इंजन क्यों यूज करते थे, स्टीम यानी कि इस टाइम पीरियड में डाइंग करने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता था। ठीक है, तो स्टीम इंजन की हेल्प से पानी को गर्म करते थे और उसमें कपड़ा जो है उसको डाई किया जाता था। तो इसलिए धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्री में स्टीम इंजन की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी की बढ़नी चाहिए थी, बिकॉज पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टीम इंजन इन द स्टार्टिंग ईयर इन द इनिशियल। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने बताना है मैथ्यू बॉल्टन, जेम्स वॉट के फ्रेंड के साथ मिलकर, यानी कि जेम्स वॉट के फ्रेंड थे, इनका नाम क्या था, मैथ्यू बॉल्टन, यानी कि जेम्स वॉट और मैथ्यू बॉल्टन ने मिलकर स्टीम इंजन को मैन्युफैक्चर किया और इंडस्ट्री के लिए तैयार किया। तो दोनों तीन नाम आपने याद रखने हैं, हु प्रोड्यूस स्टीम इंजन न्यू कॉमन, हु इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन जेम्स वॉट, एंड हु मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो दोनों का नाम आएगा, जेम्स वॉट और मैथ्यू बॉल्टन। इन्होंने क्या किया, फिर इसका पेटेंट करवाया। पेटेंट क्या होता है, राइट्स, सोल राइट्स टू सेल, बेचने का राइट। कई मेडिसिन आपने सुना होगा ना कि दीज आर पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, इनके पास ही सिर्फ राइट है, यही बना सकते हैं और यही बेच सकते हैं। ठीक है, सोल राइट्स, सोल राइट्स का मतलब होता है चाहे उसको बेचने का राइट है या ट्रेडिंग का राइट है। पेटेंट करवाया, इसीलिए जेम्स वॉट का नाम स्टीम इंजन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि मैथ्यू बॉल्टन के साथ मिलकर उन्होंने स्टीम इंजन को इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रिपेयर किया। बट द फिगर ऑफ स्टीम इंजन विच वॉज यू कैन से ब्रॉट बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट दैट वॉज वेरी लेस, 321 ओनली। जब स्टार्टिंग में इन्होंने स्टीम इंजन बनाए तो सिर्फ कितने बिके, 321 टोटल स्टीम इंजन इंग्लैंड में कितने बिके, 321 पूरे इंग्लैंड में सिर्फ स्टीम इंजन जो स्टार्टिंग में सबसे पहले सेल हुई थी वो थे 321। अब इंग्लैंड में अलग अलग इंडस्ट्रीज थी, कुछ कॉटन थी, कुछ आयरन, ठीक है, और कितने यूज किए गए, सबसे पहले आपने बताना है 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, आउट ऑफ 321 80 वर यूज इन कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में स्टीम इंजन यूज करना, पानी को गर्म करना, क्लोथ को डाई करना, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता था स्टीम इंजन, क्योंकि रोल जो थे वो बड़े लार्ज स्केल पे रोल, कॉटन रोल्स प्रिपेयर किए जाते थे, उनको डाई करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए स्टीम इंजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट। देन 9 वर इन वूल इंडस्ट्री, 9 स्टीम इंजन वर इन वूल इंडस्ट्री एंड रेस्ट फॉर अदर सेक्टर्स। ये याद रखो, मेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, टोटल 321
steam engines were purchased in England. Out of 321, 80 were used in cotton industry and 9 were used in wool industry and rest other in different sectors. So main 80 cotton or 9 wool jo hai ye main data aap yaad rakhiye, theek hai. And saath mein ye bhi yaad rakho ki these were slow to be accepted. Slow to be accepted ka matlab kya hai ki steam engine jo tha वो प्रोड्यूसर्स इसको स्टार्टिंग में नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि पहले पहले तो बहुत कॉस्टली था, इसकी रिपेयर जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, इंजीनियर्स को बुलाने के चार्जेस बहुत हाई थे, स्टीम इंजन को चलाने की नॉलेज लोगों को नहीं थी. जो सिंपल वर्कर्स थे अगर स्टीम इंजन चलते चलते खराब हो जाता था तो लोगों को पता ही नहीं लगता था कि इसको ठीक कैसे करना है और कितने दिनों तक मशीन बंद रहती थी. और मशीन बंद रहेगी तो लेबर के चार्ज पड़ेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल नहीं था स्टीम इंजन को खरीदना. सो दैट्स व्हाई इन द इनिशियल ईयर स्टीम इंजन की जो डिमांड थी दैट वाज वेरी लेस. लेकिन जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बीतता गया, धीरे धीरे जब लोगों को स्टीम इंजन की नॉलेज मिली 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स और उसके बाद धीरे धीरे स्टीम इंजन जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज में हर कॉटन मिल में फिर स्टीम इंजन को खरीदा था. अभी तक तो सिर्फ लोग हैंड लेबर ही प्रेफर कर रहे थे क्योंकि मार्केट में भी इतनी डिमांड नहीं थी. लोग अभी भी हैंडमेड गुड्स ही प्रेफर कर रहे थे जो विलेज एरियाज में बन रही थी, सिटीज में नहीं. ठीक है, इसके बाद अब हमने वो सारे फीचर जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे, व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस न्यू टेक्नोलॉजी वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड, वो जस्ट आप शॉर्ट में सारे हेडिंग्स लिख लो अकॉर्डिंग टू वन मार्क. ठीक है, व्हाई दिस टेक्नोलॉजी वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड. नंबर वन, हाई पॉपुलेशन इन इंग्लैंड, या हम ये कह सकते हैं चीप लेबर. जब प्रोड्यूसर को पता है कि उसको इजीली लेबर मिल जाएगी तो उसको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं. जब उसको पता है कि उसे चीप लेबर मिल जाएगी, काम करने के लिए लेबर इजीली मिल जाएंगे तो उसको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन एंड चीप लेबर. वेजेस बहुत कम थे और लेबर कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे, इसलिए प्रोड्यूसर्स को यह लगा कि कहां पे मशीन में इतना इन्वेस्ट करेंगे, लेबर से ही काम करवाया जाए क्योंकि मार्केट में रॉयल्टी की डिमांड, एरिस्टोक्रेटिक की डिमांड अभी भी हैंडमेड गुड्स ही था, इसलिए स्टार्टिंग में वो मशीन खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे. जस्ट हेडिंग फॉर्म में लिखो. सेकंड आपने लिखना है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कॉस्टली रिपेयर. एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कॉस्टली रिपेयर. थर्ड, मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज. उस टाइम में ट्रेंड क्या था, जो मशीन से बनी हुई चीजें होती थी ना वो कॉलोनीज को दे दी जाती थी, वहां पे एक्सपोर्ट कर दी जाती थी. लोग ये रिच लोग ये सोचते थे इंग्लैंड के कि जो मशीन से बनी हुई चीजें है ना ये कॉलोनीज यूज कर लेंगे क्योंकि वो लोग पुअर पीपल हैं, दे कैन अफोर्ड. मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू कॉलोनीज. मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं वहां पे वर्ड क्या बता रही हूँ, एक्सपोर्टेड, कि मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से एक्सपोर्ट हो रही थी कॉलोनीज को अलग से, जैसे इंडिया आ रही थी. बिकॉज एरिस्टोक्रेटिक, नेक्स्ट हेडिंग बताओ, एरिस्टोक्रेटिक. एरिस्टोक्रेटिक कौन होते हैं, नॉबल्स, किंग्स, क्वींस. एरिस्टोक्रेटिक पीपल प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड गुड्स, डिफरेंट डिजाइंस. वो चाहते थे कि उनके पास जो भी चीजें हो उनका डिजाइन किसी और के पास ना हो, कोई इसको कॉपी ना करे, यूनिक डिजाइन्स होने चाहिए. अब इसमें एक और एग्जांपल ऐड करो, कुछ चीजें कभी भी मशीन से नहीं बना सकते. जैसे टूल्स की बात करें, अगर आपने देखा होगा कि आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसको कार के अलग अलग जो है वो स्पेयर पार्ट्स ठीक करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूल्स हम एक ही तरह के हमें नहीं चाहिए, हर पार्ट के लिए अलग तरह से टूल चाहिए होता है. ठीक है, तो ऐसे टूल जो है वो मशीन से नहीं बन सकते. तो उस टाइम पीरियड में हैमर, जस्ट एक आपकी बुक में हैमर का एग्जांपल दिया हुआ है कि 500 वेराइटीज थी हैमर की जो हाथ से बनते थे. आपको भी कि हैमर तो मैम क्या होता है, हथौड़ा होता है ना, लेकिन उस टाइम पीरियड में हाथ से बनने वाले 500 टाइप हैमर्स की भी अलग अलग टाइप्स होती थी जो हाथ से बनते थे. ठीक है, तो ये मशीन से कैसे बन सकते हैं, यानी कि हैमर की जरूरत जो है वो पर्सन को अलग अलग, जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्शन में अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग तरह से चाहिए होती है.
तो हाथ से बनने वाले 500 हैमर्स की उस टाइम पीरियड में जो है वो एग्जाम्पल आपने बताना है कि उस टाइम पीरियड में मशीन से नहीं ये बन सकते थे। डिफरेंट काइंड हैमर्स की भी अलग अलग काइंड होती थी जो हाथ से बनते थे। देन 45 एक्सेस एक्सेस जैसे कुल्हाड़ी कहते हैं ना, 45 तरह के एक्सेस होते थे अलग अलग तरह के लिए, अलग अलग इसको यूज किया जाता था। हैंडल्स अलग अलग होते थे और उनकी शेप अलग अलग होती थी। तो ये सारी की सारी जो है वो मशीन से नहीं बनती थी, हाथ से ही बनती थी। अभी भी अगर आप ये कहो कि कुछ चीजें मशीन से नहीं बन सकती हैं, जैसे सपोज ये ग्लास है, विंडो को ये ग्लास पेन लगाना, तो इसके लिए मशीन नहीं है, हाथ से ही लगेगा, ठीक है। या फिर प्रोडक्शन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, फर्नीचर, आप ये कहो कि हाँ जी मैम हमने जो है वो रेडीमेड जो है फर्नीचर लेना है, सोफा सेट है, या सपोज किसी भी तरह से कोई भी फर्नीचर है, वो मशीन से नहीं बनेगा। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले ट्री काटते हैं, ट्री को प्रॉपर वुड जो है उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर उसको पॉलिशिंग की जाती है, मशीन से नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें मशीन यूज नहीं हो सकती थी, वहां पे अभी भी हैंड लेबर रिक्वायर्ड थे। बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें जो है वो हाथ से बन सकती है, मशीन से नहीं बन सकती। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग में प्रोसेस जो था इंडस्ट्रीज का वो बहुत तेजी से या बड़ा नहीं, सिर्फ एक ही सेक्टर था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेसफुल हुई, वो कौन सा था, कॉटन इंडस्ट्री। क्योंकि वो इसलिए फायदे में था क्योंकि प्रोड्यूसर्स को विलेज एरियाज में जाना पड़ता था काम करवाने के लिए। अब उनको फायदा क्या हुआ, सारे स्टेप्स एक ही मिल के अंडर होने लगे, स्टेपलिंग, पुलिंग, जो भी कार्डिंग, ट्विस्टिंग, वट एवर जो भी रोल्स होते, रोल बनाने के या थ्रेड बनाने के। तो कॉटन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेसफुल हुई, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, लाइफ ऑफ वर्कर्स, इसमें हमने बताना है हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर्स वर अफेक्टेड। नेक्स्ट पार्ट इज लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब आप देखो बच्चे, जब मशीन्स आना शुरू हो गया, अब आप सोचो कि अब आगे का टाइम मैं बता रही हूं, जैसे जैसे मशीन्स आती गई वैसे वैसे लेबर्स की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई। तो हमने अब नेक्स्ट पढ़ना है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम यूरोप की ही बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी, जैसे जैसे मशीन्स बढ़ी, नेक्स्ट 100 ईयर्स और आगे वाला जो टाइम था वो लाइफ वर्कर्स की लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स कैसे लेकर आए, वर्कर्स लाइफ कैसे प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल है, मेनी वीमेन वर्कर्स दे अटैक ऑन मशीन्स। अब कोई पर्सन वर्कर जो है मशीन पे अटैक क्यों करता, क्यों मशीन पे अटैक करेगा, रीजन क्या है, हु विल टेल मी। यस, ठीक है, वीमेन वर्कर्स अटैक, यानी कि इंग्लैंड में ना अलग अलग एरिया से न्यूज मिल रही थी कि बहुत सी जो वुमेन वर्कर्स हैं दे आर अटैकिंग कर रही है वो। रीजन क्या था, मशीन्स ने क्या किया, लेबर को रिप्लेस कर लिया, बिकॉज दीज मशीन्स रिप्लेस्ड लेबर, मशीन्स ने लेबर को रिप्लेस कर लिया। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो है, जिस मशीन को अटैक किया उसको क्या नाम दिया गया, स्पिनिंग जेनी। उस मशीन का नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। ये कैसी मशीन थी जो 100 लेबर्स को रिप्लेस कर सकती थी, कैसे 100 लेबर्स को कैसे रिप्लेस कर सकती थी। बच्चे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि महात्मा गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में चरखा, चरखा जो है उसको बहुत फेमस किया था। चरखे की शेप कैसी होती है, सपोज अगर आपने, अब तो ये म्यूजियम में ही देखोगे आप, रियल में तो नहीं दिखेगा, ये ऐसी शेप होती है उसकी, यहां पर एक हैंडल होता है, ठीक है, और इस हैंडल के साथ यहाँ पर कॉटन का जो है वो बेल लगा दिया जाता है, काइंड ऑफ बॉल कह लो ना, और हैंडल से उसको घुमाते हैं और उससे क्या होता है, यहाँ पे एक स्पिंडल होता है, वो थ्रेड बनता है और व्हील घूमता है, और इस व्हील के आसपास थ्रेड जो है वो बनता जाता है और रोल बन जाता है पूरा। लेकिन इसको सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो चला सकता है, चरखा जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन चला सकता है। पर आपको पता है जो स्पिनिंग जेनी थी, एट अ टाइम ये एक ऐसा व्हील था
जिसमें 100 स्पिंडल एट अ टाइम चलते थे। तो इसका मतलब है कि एक मशीन जो है वो 100 स्पिंडल जो है उसको जो है वो चला सकती है और थ्रेड बन सकता है, तो 100 लेबर को रिप्लेस कर दिया। और इस मशीन को बनाया किसने था, उसका नेम याद रखो, वन मार्क क्वेश्चन, जेम्स हरग्रीव्स। जेम्स हरग्रीव्स, और ईयर याद रखो 1764। वन मार्क क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड स्पिनिंग जेनी, जेम्स हरग्रीव्स इन द ईयर 1764। व्हाई द वुमेन दे अटैक्ड द स्पिनिंग जेनी, बिकॉज दिस मशीन रिप्लेस्ड मेनी वर्कर्स एंड लेबर्स। नाउ 100 स्पिंडल, 100 स्पिंडल का मतलब होता है कि जहां पे पहले एक स्पिंडल होता था, इस मशीन से 100 स्पिंडल जो है वो थ्रेड बना सकते थे, यानी कि 100 लेबर को रिप्लेस किया। अब धीरे धीरे जब प्रोड्यूसर्स को ये लगा, इंडस्ट्रीज में ये लगा लोगों को, कि ये मशीन्स के खरीदने से हमें 100 लेबर रिप्लेस, 100 लेबर के ऊपर सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे मशीन का कॉस्ट भी जो है वो कम हो गई। जैसे आप देखो ना कि पहले अगर कोई मोबाइल फोन, आज से 20 ईयर्स पहले मोबाइल फोन का रेट क्या था, उस टाइम पर में लोग जो है वो मोबाइल फोन खरीदना जो है वो शायद सोच भी नहीं सकते होंगे, अगर आज से 30 ईयर्स की पहले की बात करें। बट नाउ मोबाइल फोन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट चीप रेट आल्सो। टेक्नोलॉजी धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करते हैं और उसका रेट कम होता जाता है। तो इसी तरह से स्पिनिंग जेनी का रेट जो है, मशीन्स का रेट जैसे जैसे कम हुआ, प्रोड्यूसर्स को ये बहुत प्रॉफिटेबल लगा और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मशीन्स को खरीदना शुरू कर दिया और लेबर को रिप्लेस कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा लॉस जो है वो फैमिलीज को हुआ, जो फैमिलीज अर्न कर रही थी इनकम, जिनको सिर्फ थ्रेड बनाना आता था और वो काम कुछ कुछ नहीं काम करते, स्पेशली वुमेन। सो एट दैट टाइम मेनी वर्कर्स दे बिकेम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है मशीन के आने से नाराज हो जाना, और इस तरह से उन्होंने बहुत सी मशीन्स को अटैक किया क्योंकि उनका गुस्सा जो था वो मशीन्स पे निकल रहा था। बिकॉज मैनी वर्कर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। नाउ हु इन्वेंटेड या हु डिस्कवर्ड स्पिनिंग जेनी, इसका नाम क्या है, जेम्स हरग्रीव्स, इन विच ईयर 1764। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आई वर्कर्स को, ये तो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम बताई। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। अब ये जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी ना, इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में इतनी सारी इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से जो विलेज में लोग रहते थे, जो लोग पहले 17 और 18 सेंचुरी में उनकी फैमिलीज आगे से आगे जनरेशन विलेज एरियाज में रहती थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, नाउ दे माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज। अब ये इकोनॉमिक टर्म है कि जब लोग विलेज से सिटीज में आएंगे तो उनको सबसे पहले क्या फेस करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले उनको काम नहीं मिल जाएगा, आते ही उनको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉवर्टी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने साथ एक डार्क साइड भी लेकर आई। ठीक है, थर्ड, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जहां पे वो रह रहे हैं रहने की जगह नहीं होगी, तो स्लम्स एरियाज, अनहाइजेनिक एरियाज, इंग्लैंड में जैसे हम बॉम्बे की बात करें तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है, हर रोज पता नहीं कितने लोग विलेज एरिया से बॉम्बे जाते होंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलता काम, मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तक वो ऐसे ही रहते हैं। अगर आपने किसी की भी स्टोरी कभी पढ़ी होगी है ना, तो जो रिच पर्सन होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ जी जब हम घर से निकले थे तो हमारे पास सिर्फ 20 रुपीज थे, 100 रुपीज, एंड हमने खुद सारा एम्पायर तैयार किया। तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं जो पर्सन बहुत ज्यादा रिच बन जाते हैं, पर अल्टीमेटली हर पर्सन के पास ऐसी लक या ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती। स्लम्स एरियाज एंड सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड का मतलब क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड, यानी कि फॉरेन की बात कर रहे हैं तो जिस टाइम में क्रिसमस होती थी, सेलिब्रेशन होती थी, उस टाइम पीरियड में मतलब जैसे हम कहते हैं कि लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जाता था, और जैसे ही क्रिसमस ओवर सेलिब्रेशन खत्म हो जाती थी लोगों को जॉब से निकाल देते थे, मीन्स टेम्प्रेरी जॉब होती थी, परमानेंट जॉब नहीं होती थी, सीजन के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉय किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में भी समर सेक्टर में, समर सीजन में क्या होता है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज जो है वहां पे लेबर काम करते हैं, लेकिन विंटर सीजन में वहां पे काम नहीं करेंगे क्योंकि आइसक्रीम की डिमांड इतनी नहीं होगी, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जॉब से वो निकाल देते हैं।
और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेबर जो है वो अपने अपने फार्म्स एरियाज यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस टाइम पीरियड में हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तो लेबर वहां चले जाते हैं और वहां पे हार्वेस्टिंग का काम करके फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे डिमांड को क्या बोलते हैं? सीजनल डिमांड। तो उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सीजनल डिमांड थी, अलग अलग फैक्ट्रीज में सीजन के अकॉर्डिंग काम होता था और सीजन के अकॉर्डिंग ही लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था, जॉब से निकाल दिया जाता था। सेम प्रॉब्लम राइट नाउ मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी पीपल दे आर फेसिंग व्हेन मैनी पीपल दे माइग्रेट और दे शिफ्ट द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री। यहाँ से भी जो लोग जाते हैं तो इमिडिएटली इनको काम नहीं मिलता, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में भी ऐसा ही हुआ, मैनी पीपल दे लॉस देयर जॉब ड्यू टू सीजनल डिमांड और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनको परमानेंट जॉब नहीं देती थी, परमानेंट वर्कर्स नहीं होते थे, टेम्परेरी होते थे, और जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती। अब आप एक ऐसी कंट्री लिखो जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम थी, अमेरिका। शॉर्ट में हमें इसकी स्टोरी पढ़नी है कि व्हाई द कंडीशन ऑफ अमेरिका वाज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अमेरिका वाज फेसिंग लेबर शॉर्टेज एट दैट टाइम ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अमेरिका में लेबर कम है। अमेरिका वॉज फेसिंग लेबर शॉर्टेज एंड अमेरिका अमेरिकन फैक्ट्रीज, जो अमेरिका में फैक्ट्रीज थी, दे प्रेफर्ड मशीन्स, उनको तो मशीन खरीदना बहुत प्रॉफिटेबल लगा। अमेरिकन फैक्ट्रीज प्रेफर्ड मशीन्स बिकॉज इट वॉज प्रॉफिटेबल, क्योंकि उनकी कंट्री में लेबर की शॉर्टेज थी तो उनके लिए मशीन्स खरीदना और मशीन्स जो हैं उनको जो है ऑपरेट करना, दैट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल। And due to this, many people from England, they shifted to America. Many laborers from Britain, they shifted to America. बहुत से लोग फिर यूरोपियन कंट्री से अमेरिका गए जॉब के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज इन द यूरोपियन कंट्री और इन द इंग्लैंड। तो ये भी एक माइग्रेशन का रीजन बना, यूरोप से बहुत से लोग अमेरिका गए, ठीक है। तो दिस वाज अ रीजन व्हाई एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टिंग में तो एक हम ये कह सकते हैं ब्लेसिंग भी थी और इसकी डार्क साइड भी थी। हमने दोनों पढ़ा है कि ब्लेसिंग्स कैसे थी और डार्क साइड कैसे थी, क्लियर। अब बच्चे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ इंडिया। ये था सारा यूरोप का पार्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही तरफ से हमने पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम अगर एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे इंडिया की डिमांड सबसे ज्यादा वर्ल्ड में किन दो आइटम्स की थी, सिल्क एंड कॉटन, बेस्ट क्वालिटी। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सिल्क एंड कॉटन सबसे बेस्ट जो है वो मानी जाती थी, सिल्क एंड कॉटन, ठीक है। हम इंडिया के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है, इसका मतलब क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले, हमारी कंट्री की सिल्क और कॉटन की डिमांड ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी। नंबर टू, किनको सप्लाई किया जाता था सिल्क एंड कॉटन, मोस्टली अरेबियन कंट्रीज, पर्शिया, अर्मेनिया, साउथ अरेबियन कंट्रीज की बात करें, पर्शिया, अर्मेनिया, यहां से बहुत से ट्रेडर्स इंडिया आते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये रॉयल्टी का मतलब मोनार्की, किंग्स, दे प्रेफर्ड इंडियन सिल्क एंड कॉटन, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट जो था वो कॉटन और सिल्क के लिए सुटेबल नहीं था। सो मैनी पर्शियन एंड आर्मेनियन ट्रेडर्स दे केम इन इंडिया बोथ रूट, लैंड भी और सी, लैंड एंड सी रूट्स। आर्मेनियंस एंड पर्शियन ट्रेडर्स इवन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एशिया के अलग अलग पार्ट से भी ट्रेडर्स हमारी कंट्री में आते थे, बोथ लैंड एंड सी रूट्स, दोनों ही लैंड एंड सी रूट्स।
और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर, थ्री मेन सेंटर्स वर देयर, ये अपने वन मार्क एमसीक्यूज के लिए लर्न करो, सूरत, हुगली, ठीक है, एंड मसौलीपट्टनम, मसौलीपट्टनम क्या थे, ये पोर्ट सिटीज, ये तीनों क्या थी, पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज क्या होती हैं, जहां पे शिप लोड और अनलोड किए जाते हैं। तो जो गुजरात, जो सूरत है, सूरत कौन से कोस्ट, याद रखो इसका, आप कौन से कोस्टल एरिया है, गुजरात, हुगली, कैलकटा, ठीक है, एंड मसौलीपट्टनम, कोरोमंडल, कोस्ट, कोस्टल एरियाज, यस। तो हमारी कंट्री में ब्रिटिशर से आने से पहले सूरत, गुजरात, ठीक है, मसौलीपट्टनम, मसौलीपट्टनम कहाँ का फेमस था, कोरोमंडल कोस्ट, एंड हुगली, कैलकटा, स्पेशली बंगाल, ठीक है। तो दीज फोर सिटीज वर वेरी फेमस बिफोर ब्रिटिशर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से हमारी ये तीनों ही सिटीज, पोर्ट जो है, सूरत पोर्ट, हुगली पोर्ट एंड मसौलीपट्टनम, इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, डिक्लाइन। ये आपने सेवंथ और एट में पढ़ा हुआ है ना, बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरत, हुगली एंड मसौलीपट्टनम डिक्लाइन। रीजन क्या था, विद द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दे सेट अप फैक्ट्रीज इन बॉम्बे, उन्होंने क्या किया, बॉम्बे में जो है वो फैक्ट्री सेटअप की, एंड हुगली की जगह, यानी कि हुगली को रिप्लेस करके उन्होंने कैलकटा, सीधा कैलकटा में फैक्ट्रीज को सेटअप किया। तो इन तीनों सिटीज की इंपॉर्टेंस कम हो गई और इनकी जगह, इनको रिप्लेस किसने किया, बॉम्बे, बॉम्बे का पोर्ट एंड कैलकटा। हुगली का नाम इंटरनेशनल मार्केट से खत्म हो गया, सूरत का नेम खत्म हो गया, मसौलीपट्टनम का खत्म हो गया। अब हमने बताना है कैसे, हाउ, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत, हुगली एंड मसौलीपट्टनम डिक्लाइन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा ग्रू, ठीक है, ये हमने इंडिया का बताना है। और ये रिजल्ट क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सो दैट वॉज अ डार्क शेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमारे इंडिया की बहुत सी सिटीज जो हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस पहले थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या हो गई, डिक्लाइन। अब इसके रीजन पहले लिखो, नंबर वन, कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ब्रिटेन, बेसिकली दिस वॉज फ्रॉम ब्रिटेन, ये मेन रीजन था। सेकेंड, दे गॉट मोनोपोली राइट्स, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली, सिंगल राइट, यानी कि हमारी कंट्री में ट्रेडिंग का राइट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, यानी कि इंडिया का जो भी बिजनेस है अब उसको डील कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।